निकाय चुनाव से पहले शरारती तत्वों पर होगी कार्रवाई। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं हापुड़ हलचल। आगामी निकाय चुनाव को देखते हुए पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गढ़मुक्तेश्वर नगर के मोहल्लों में जाकर समंदर बैठक शुरू कर दी है, जहां लोगों को कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील के साथ तालमेल बैठाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा चुनाव के दौरान उत्पात मचाने वाले लोगों को पाबंद करने की भी पूरी तैयारी कर ली गई। गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्राधिकारी स्तुति सिंह ने बताया कि ऐसे लोग पिछले चुनाव में भी पाबंद किए गए थे। सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि निकाय चुनाव की आहट होते ही पुलिस नगर के विभिन्न वार्ड में अपनी बीट प्रणाली को मजबूत बनाने में जुट गई। उसके साथ लोगों से संवाद स्थापित किया जा रहा है। गली मोहल्लों में जाकर संभ्रांत लोगों के साथ बैठक की जा रही है। बीट सिपाही सक्रिय हो गए हैं। पुलिस पुराने केसों का डेटा खंगाल रही है। अपराधियों की मौजूदा स्थिति देखी जा रही है। उधर पुलिस ने असामाजिक तत्वों को चिन्हित करना भी शुरू कर दिया। पुलिस की ओर से नोटिस भेजे जाएंगे। दूसरी तरफ चुनाव को लेकर लोगों से इस संबंध में बैठक की जा रही है और इसके तहत कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शांति समिति की बैठक कर रही है। लोगों से सहयोग की अपील की जा रही है। उन्होंने बताया कि चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की जाएगी। अगर किसी ने व्यवधान डालने की कोशिश की तो पुलिस सख्ती से निपटेगी।